मेरे अनुसार देखिए तीन चीजें होती हैं जो किसी भी एग्जाम की इंटेग्रिटी के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो व्यक्ति अर्थात पीपल, दूसरा प्रोसेस जो भी प्रक्रिया है, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो आधारभूत संरचना है, आधारभूत और उपकरण इत्यादि जो प्रोड्यूस होते हैं और जिनका प्रयोग होता है। तो इसमें यदि हम देखें तो गवर्नमेंट ने जिस तरह से, शिक्षा मंत्रालय ने जिस तरह से त्वरित रूप से जो एनटीए के डीजी थे उनको हटाया और एक दूसरे व्यक्ति को वहां पर लेकर के आए हैं, उसके अलावा जो एक हाई पावर्ड कमेटी बनी है, मिस्टर राधाकृष्णन जिसके हेड हैं जो कि इसरो के पूर्व चेयरमैन थे और अभी आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन हैं, और उस कमेटी के अंदर में एम्स के और आईआईटी के भी लोग हैं। तो मेरे ख्याल से ये त्वरित कार्य जो हुआ है, ये जो पीपल वाला इशू है, जो पर्सन वाला इशू है और जो प्रक्रिया वाला इशू है, वो इसको देखेगा। दूसरा मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है वो ये कि नीट यूजी और उसके अलावा जो नेट, इसमें जो इरेगुलरिटीज उनको दिखाई दी उसको ये केस उन्होंने सीबीआई को सौंप दिया है। और तीसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है वो ये कि जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है उसका नोटिफिकेशन कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये जो स्टेप लिए गए हैं ये नितांत आवश्यक तो थे ही, लेकिन ये त्वरित गति से लिए गए हैं और ये एक अच्छी चीज है। अब एक जो मेरा सुझाव है वो ये कि जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो हमको ये भी ध्यान देना चाहिए, जैसे उदाहरण के तौर पे जो पता चला है, जो खबर आई है वो ये कि उन्होंने ताला को नहीं खोला, जब भी पेपर जो निकाला गया वो पीछे से उसको खोल के निकाला गया। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज हैं इनको हम कैसे और मजबूत कर सकते हैं, आगे मेरे ख्याल से इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सर, इसमें जो सजा का प्रावधान किया है उसको किस तरह से आप करेंगे? मेरे ख्याल से तो ये सजा भी थोड़ी अपर्याप्त है, क्योंकि इसमें हमें ये देखना है कि बहुत सारे लोगों का भविष्य इन सब एग्जाम्स पे दांव पे लगा हुआ होता है, और उसके साथ साथ ये जो इमोशनल हम देख रहे हैं, इमोशनल प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो जो है उसको ध्यान में रखते हुए ये सजा है तो सही, मेरे ख्याल से इसको और